जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे संदेश को इस चैनल के द्वारा देख रहे हैं, शायद इस चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो, तो कृपया लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि अधिक जानकारी हम आपको दे सके। आज मैं आपसे मदर टेरेसा के जीवनी के बारे में बताना चाहता हूँ। मदर टेरेसा का असली नाम है एग्नेस बोजाक्शु। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त साल 1910 में मकदूनिया के स्कोपजे शहर में हुआ था। उनके पिताजी एक छोटे दुकान के व्यापारी थे और अल्बेनियन सामुदायिक राजनीति में शामिल थे। जब मदर टेरेसा 8 साल की थी, तब उनके पिताजी की मृत्यु हुई। मदर टेरेसा बचपन से ही मिशनरियों की कहानी पढ़ती थी और बंगाल में मिशनरियों की सेवा की कहानी को सुनकर बहुत प्रेरित हुई। 12 साल की उम्र में मदर टेरेसा खुद को परमेश्वर की सेवकाई में समर्पण करने की फैसला किया। साल 1929 में वहां भारत पहुंची और दार्जिलिंग में अपनी सेवा शुरुआत करने के लिए बंगाली सीखी। कॉन्वेंट में एक नन की तरह वहां स्त्रियों के साथ शिक्षा में भाग ली। सेंट टेरेसा स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरुआत किया। वहां उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थोड़े साल के बाद वहां स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। उसकी दया, उदारता और उसके छात्रों की शिक्षा के प्रति उन्हें मसीह के समर्पण के जीवन में ले आने की कोशिश की। मदर टेरेसा प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे उनके जीवन की रोशनी बनने की ताकत दो, ताकि मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आ सकूं। 10 सितंबर साल 1946 को मदर टेरेसा ने प्रभु यीशु का बुलावट का अनुभव किया। एक बार मदर टेरेसा रेल में यात्रा कर रही थी और मन में प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु यीशु ने उससे बातें की और कहा, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना छोड़कर शहर के सबसे गरीब और बीमार लोगों की सहायता करो, यहाँ एक आदेश है। टेरेसा ने भारतीय नागरिक ग्रहण किया और होली फैमिली हॉस्पिटल में चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त करने, मलिन बस्तियों में रहने के लिए पाटना में कई महीने बिताए। गरीबों और भूखे लोगों को देखभाल करने के लिए मदर टेरेसा कलकत्ता में एक स्कूल की स्थापना की। वर्ष 1938 में गरीबों को मदद करने के लिए वहां अपना वस्त्र धारण को बदल दिया। नीली सीमा वाली साधारण सफ़ेद सूती साड़ी के साथ मिशनरी काम करना शुरू किया। मदर टेरेसा के सेवकाई के शुरुआत में उन्होंने 5 रुपये की किराए से मोतीझील नामक एक मलिन सड़क में स्कूल शुरुआत किया और उस गली के गरीब बच्चों को लाकर उन्हें पढ़ाकर, नहलाकर, खाना खिलाकर सेवा किया। उस कलकत्ता के शहर में कई भिखारी लोग और गरीब लोग वहीं जो मरने वाले थे बीमारियों के कारण, उनको देखकर मदर टेरेसा का दिल टूट गया। उन लोगों के लिए एक जगह तैयार करने के लिए कालीघाट मंदिर के पास रहने वाली एक छोटी जगह में उस समय के सरकार से बातचीत की और निर्मल हृदय नामक एक अनाथ आश्रम को खोला। उस जगह में उन जैसे गरीब भिखारियों के लिए जो बीमार पड़कर सड़क पे ही मरने वाले थे, उन सबको लाकर उनकी आखिरी इच्छा को पूरी करने लगी। आहार देकर उन्हें शांति से अपना अंतिम समय गुजारने के लिए सहायता करती थी। उस समय कलकत्ता के कालीघाट के पुजारी और राजनेता सेवा को देखकर विरोध करने लगे, क्योंकि कई कुष्ठ रोगों को घायलों को धोकर, उन्हें नहलाकर, उन्हें फिर भोजन देती थी। लेकिन उन्होंने एहसास किया कि जो वहां काम कर रही है प्यार के द्वारा, वो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। उन्होंने गरीबों में सबसे गरीब लोगों को मदद करने के लिए एक धार्मिक समुदाय की नींव रखी। मदर टेरेसा ने अपने शब्दों में इस तरह कहा, मैं उन लोगों की परवाह करूंगी जो भूखे, नंगे, बेदार, अंधे, कुष्ठ रोगों और समाज में सभी लोगों के लिए अवांछित, अपवित्र, बिना सोच समझे समाज के लिए एक बोझ बन गए हैं और हर किसी के द्वारा त्यागे गए हैं। उस समय मदर टेरेसा के साथ 13 महिला थे जो उनके के साथ उस सेवकाई में भाग लेते थे, लेकिन आज 4000 से अधिक बहनों उस सेवकाई में शामिल हो गए, जो दुनिया भर में अनाथ आश्रम, एड्स धर्मशाला, दान केंद्र का प्रबंध करते हैं। शरणार्थों, अंधे, विकलांग, वृद्ध, शराबियों, गरीबों और बेदरों की देखभाल करते हैं। मदर टेरेसा ने कहा, रक्त से मैं अल्बेनियन हूँ, नागरिक से एक भारतीय, विश्वास से मैं एक कैथलिक नन हूँ, मेरे बुलावट के अनुसार मैं दुनिया से संबंधित हूँ, मेरे दिल के अनुसार मैं पूरी तरह से यीशु से संबंधित हूँ। 100 से अधिक देशों में उनका मिशनरी ऑफ चैरिटी
दुनिया भर में 450 केंद्रों में गरीबों से सबसे गरीब की सेवा करते हैं। आज वो हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच गए हैं। एक बार मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। उस समय एक न्यूज रिपोर्टर ने आकर उनसे इस तरह पूछा, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब मदर टेरेसा ने इस तरह जवाब दिया, पहले अपने घर जाकर अपने परिवार से प्यार करो। ये बात सुनने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत प्रभावित है, क्योंकि आज घर में ही शांति नहीं है, परिवार में एक दूसरे से ही समाधान नहीं है। यदि अपने खुद के परिवार में शांति नहीं है तो संसार में किस तरह फैलेगा? इसीलिए पहले अपने परिवार से प्यार करो, उनसे मेल मिलाप करो। फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर एंड इफ यू स्टे टुगेदर यू विल लव वन अनदर एज गॉड लव्स ईच वन ऑफ यू। एक बार मदर टेरेसा के पास कलीसिया के सेवक आकर इस तरह पूछने लगे, तुमने कहा कि गरीबों के लिए एक अनाथ आश्रम बनूंगी, तुम्हारे पास कितना पैसा है? तब मुस्कुराते हुए मदर टेरेसा ने इस तरह जवाब दिया, मेरे पास 3 पेनी है, लेकिन जब वो 3 पेनी मैं परमेश्वर के हाथ में रखूंगी तो परमेश्वर प्लस 3 पेनी के साथ मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है। इस तरह मदर टेरेसा ने कई जवान महिलाओं को सेवकाई का शिक्षण दिया, कई हजारों लोग उनके सेवकाई में शामिल हुए, गरीबों को समाज से तुच्छ किए हुए लोगों की मदद करने लगे। इनकी सेवकाई को देखकर दुनिया में हर देश ने इनका प्रशंसा किया, लेकिन मदर टेरेसा इन प्रशंसाओं के लिए सेवा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह की प्यार को दूसरों को दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये सेवा कर रही हूँ। एक सफ़ेद साड़ी पहनकर साधारण भोजन करते हुए एक छोटे मकान में रहकर मदर टेरेसा ने संसार के कोने कोने तक उनकी सेवा की वृद्धि हुई। आखिरकार 5 सितंबर साल 1997 में 87 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़कर मदर टेरेसा स्वर्गवास हो गए। उनके बातों में से लिखी हुई प्रसिद्ध शब्द ये है, हम सभी लोग महान काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे काम बड़े प्यार से कर सकते हैं। छोटी चीज़ों में विश्वास योग्य बनो, क्योंकि उन्हीं में आपकी ताकत निहित है। शांति एक मुस्कान के साथ शुरू होती है। यदि आप लोगों को न्याय करते हैं तो आपके पास उन्हें प्यार करने का समय नहीं है। यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो सिर्फ एक को खिलाइए। इस नम्र मिशनरी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें भी यीशु मसीह की प्यार को दूसरों को दिखाना चाहिए। इनकी जीवनी को देखकर मुझे एक वचन याद आता है, विश्वास और क्रिया दोनों भी काम करना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि मुझे विश्वास है दो क्रिया नहीं तो कुछ लाभ नहीं है। हमारा विश्वास और क्रिया दो भी काम करना चाहिए। मदर टेरेसा के जीवन में इनका विश्वास क्रियाओं में बदला है और इनका सेवकाई आज भी हम देख सकते हैं। यदि आप इस संदेश के द्वारा प्रेरित हुए हैं तो ज़रूर आप भी प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में जानिए। भूलना मत इस संदेश को आपके दोस्तों और मेहमानों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु की अनुग्रह और उसकी दया आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद।